हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा का मानसून सत्र 19 अगस्त से शुरू होने जा रहा है जो 31 अगस्त तक चलेगा। इस बार मानसून सत्र 13 दिन चलेगा जिसमें कुल 11 बैठकें होंगी। मानसून सत्र के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी कड़ी में दो बैठकों का आयोजन किया गया। पहले प्रेस गैलरी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने की। 19 अगस्त से 31 अगस्त तक चलने वाले प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में इस मर्तबा रिकॉर्ड 859 सवाल विधानसभा पहुंचे हैं जिन पर सवाल जवाब होंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान सत्र की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक 637 तारांकित और 222 अतारांकित सवाल आए हैं जिनको सरकार के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा नियम 62 के तहत 2, 63 में 1, 101 के तहत 4 और 120 के तहत 14 चर्चाएं आई हैं जिनमें पर्यटन, इन्वेस्टर मीट, सड़कों की स्थिति, धारा 118 और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा का मानसून सत्र 19 अगस्त को प्रारंभ होगा। 11 सिटिंग्स रखते हुए 31 अगस्त को यह सेशन समाप्त होगा। बहुत ही संतोष का विषय है कि किसी भी मानसून सत्र में शायद सर्वाधिक प्रश्न माननीय विधायक गणों ने दिए हैं। 637 तारांकित प्रश्न और 222 अतारांकित प्रश्न के साथ शायद ये सबसे बड़ी संख्या है। इसी प्रकार नियम 62 के अंतर्गत, नियम 63 के अंतर्गत, नियम 130 के अंतर्गत 17 से अधिक मामले अभी तक हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं। प्राइवेट मेंबर डे इस बार 2 होने वाले हैं और नियम 101 के अंतर्गत 4 मामले हमें प्राप्त हो चुके हैं। माननीय विधायकगणों ने अपने विधानसभा क्षेत्रों की अनेक समस्याओं से संबंधित प्रश्नों को उजागृत करते हुए और अपनी विशिष्ट भूमिका को दिखाने का प्रयास किया है। 130 में, 62 में, 63 में और 101 के अंदर भी जो विषय आए हैं वो प्रदेश के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं, ऐसा हमको प्रतीत होता है। बिंदल ने बताया कि 21 को उड़ीसा विधानसभा के प्रतिनिधि भी सदन की कार्यवाही देखेंगे, जबकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के हिमाचल विधानसभा में आने का कार्यक्रम बन रहा है। 19 और 20 अगस्त को लोकसभा अध्यक्ष शिमला आ सकते हैं। अनिल शर्मा को लेकर पूछे गए सवाल पर डॉक्टर बिंदल ने कहा कि अभी तक उनकी भाजपा से बर्खास्तगी को लेकर कोई सूचना नहीं पहुंची है, लेकिन उनके लिए वरीयता के आधार पर सदन में बैठने का प्रबंध कर दिया गया है। अनिल शर्मा जी सरकार में मंत्री रहे, अब वो मंत्री नहीं है, माननीय विधायक है। उनकी वरिष्ठता क्रम को देखते हुए विधायक सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर स्वाभाविक परिवर्तन है जो विधानसभा की नॉर्मल प्रक्रिया। विधानसभा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बैठक हुई जिसमें सत्र के दौरान सुरक्षा के इंतजाम पर चर्चा की गई। सुरक्षा को चाक चौबंद रखने के लिए 300 से अधिक जवानों की तैनाती की जाएगी जिसमें पुलिस के जवानों सहित CID के जवान भी तैनात रहेंगे। बिना पहचान पत्र के किसी को भी विधानसभा परिसर में आने की अनुमति नहीं होगी। प्रेस पार्किंग में केवल पत्रकारों की ही गाड़ियां लगेंगी, ये भी निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल शिमला।